मोहतरम सरपरस्त हजरात, अब हम खुशखती सीखते जा रहे हैं। ये जो खड़ी लकीर, आड़ी लकीर, तिरछी लकीर और ये गोल दायरा, इसकी हम बच्चों से बार बार मश्क लेंगे। चार लकीर की बयास पर आप लोग मश्क कीजिए। ये जो पहली लाइन है ये पूरा के पूरा एक सफ़ा बनकर लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। देखिए ऊपर से नीचे तीन लकीर का आपको लेना है, फिर गैप देकर फिर तीन लकीर एक साथ, फिर गैप देकर ऊपर से नीचे, इस तरह से आपको लेना है। आप इसकी मश्क खूब कीजिए, यह हो जाएगा। फिर उसके बाद इस तरह की आड़ी लकीर, खूबसूरत हुर्फ लिखने के लिए बचपन से ही मश्क करना जरूरी है। हुर्फ ही लफ्जों की तस्वीर होते हैं, ये तस्वीर लकीर से बनती है। लकीर खूबसूरत बन जाए तो हुर्फ खूबसूरत बनता है। सीधी आड़ी लकीरों, सीधी खड़ी लकीरों, तिरछी सीधी लकीरों, दायरवी लकीरों और निस्फ दायरवी लकीरों की मुनासिब मश्क करने से खूबसूरत हुर्फ बनने को मिलते हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह आपको खुशकती में मदद मिलेगी।